उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन की बात करें, उसकी मैन पावर की बात करें या पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो हर लिहाज से बीजेपी का जो पल्ला था वो बहुत भारी था। और जिस तरह के प्रेडिक्शन एग्जिट पोल्स में आ रहे थे कि भाई जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वो 10 के आसपास रह जाएगा, भारतीय जनता पार्टी 2014 का जो उनका रिजल्ट था उससे भी आगे जाएगी, यानी कि 73 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरह से आज मैं सुबह से जो मतगणना के जो ट्रेंड था मैं उसको देख रहा था, उसमें मेन चीज ये देखने को मिली कि जो पोस्टल बैलेट था, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार आगे चल रही थी, जबकि जो पोस्टल और बैलेट का जो वोट बैंक होता है वो हमेशा बीजेपी को मिलता है। ये कहा जाता है कि वो जो वोट है पढ़ा लिखा वोट है, इंटेलेक्चुअल लोग जो है बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन ये बहुत मेरे लिए शॉकिंग वाली खबर थी कि भाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी पोस्टल बैलेट में बढ़त बनती दिखाई दी। उसके बाद मेरी समझ में ये आ गया था कि जब ईवीएम खुलेंगी तो ईवीएम में भी इसका जो असर है काफी हद तक देखने को मिलेगा। और वाकई ईवीएम जब खुलने लगी तो आप देखिए कि बहुत सी ऐसी सीट थी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की, वो हारते हुए दिखाई दिए। अगर हम बात करें सहारनपुर से स्टार्ट करते हैं, वहां पर राघव लखनपाल भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता थे, हालांकि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो उनको हार का सामना करना पड़ा था, उसकी वजह मायावती और अखिलेश का गठबंधन था। इस बार माना जा रहा था कि राघव लखनपाल बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे, उसका रीजन ये था कि जो वहां के इमरान मसूद है कांग्रेस के प्रत्याशी वो काफी कट्टर माने जाते हैं, मुस्लिमों की ज्यादा बात करते हैं, तो हिंदू वोट एकजुट होकर राघव लखनपाल के पास जाएगा। लेकिन वहां पर बहुत बड़ा उलटफेर हुआ, वहां पर आप देखिए इमरान मसूद 30,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। उसके बाद संजीव बालियान को मैं लगातार वॉच कर रहा हूं, संजीव बालियान जो है वो कल 5,000 वोटों से आगे हो जाते हैं, कभी 3,000 वोटों से पीछे हो जाते हैं, तो ये अच्छे संकेत नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा बात करें हम इकरा हसन की तो वो भी लगातार आगे बढ़ रही हैं। अगर हम बात करें ईस्ट यूपी की तो ईस्ट यूपी में अखिलेश यादव ने बड़ा करिश्मा दिखाया है, करीब अभी जो हमारे पास आंकड़ा आ रहा है 38 सीटों पर जो इंडिया गठबंधन है वो आगे चल रहा है, उसमें माफ कीजिएगा 38 सीटों पर जो है सपा आगे चल रही है और करीब 6 से 8 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। अगर मैं इस पूरे आंकड़े को बताऊं, मैं अपनी जो आउटपुट की टीम है मैं उनसे कहूंगा कि वो लगातार अपनी स्क्रीन पर आंकड़ा दिखाए कि इंडिया गठबंधन जो है उसके कौन कौन से प्रत्याशी, कौन कौन सी सीट, कहां कहां कितने वोटों पर आगे चल रही है। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजेश रायबरेली से। यहां पर राहुल गांधी करीब 39,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। रायबरेली में उम्मीद नहीं की होगी भारतीय जनता पार्टी ने कि राहुल गांधी इतनी वोटों से आगे चलेंगे, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी के जो नेता थे मनोज पांडे और इसके अलावा और जो कद्दावर नेता थे कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के, सभी को भाजपा के जो चाणक्य हैं अमित शाह, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दी थी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की कमर तोड़ने का काम किया था। रायबरेली से ये बड़ी खबर आ रही है जहां कांग्रेस के राहुल गांधी 39,338 वोट से आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी आगे और कन्नौज से अखिलेश यादव 35,778 वोटों से आगे चल रहे हैं। फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव 13,476 वोट से आगे हैं, जबकि गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी भी 416 वोट से आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है, विपक्ष जो है वो बड़ी चुनौती दे रहा है और एनडीए से अभी आगे रुझानों में सीटों में बढ़त बना रखी है। अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी शर्मा 14,048 वोट से आगे चल रहे हैं। तो बिल्कुल बात करते हैं अमेठी से, जहां पर अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमरोहा की बात कर लेते हैं, जहां पर अमरोहा से कांग्रेस की अगर बात करें तो दानिश अली इस दौरान आगे चल रहे हैं। वहीं आंवला की अगर बात करें तो सपा के नीरज मौर्य 12,399 वोट से आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए आजमगढ़ की, क्योंकि ये सीट बड़ी ही महत्वपूर्ण थी और ऐसे में सपा के धर्मेंद्र यादव 6,294 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं बलिया से सपा के सनातन पांडे भी दौरान आगे चल रहे हैं 5,000 वोटों से। और बाराबंकी से कांग्रेस के तनुज पुनिया 21,363 वोट से आगे चल रहे हैं, यानी कि जो तस्वीर है वो काफी बदलती नजर आ रही है। और बस्ती से सपा के राम प्रसाद चौधरी 11,000 वोट से आगे चल रहे हैं।
बिल्कुल, तो चंदौली से समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह जो हैं वो आगे हैं, धोरहरा से समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया 8719 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये तस्वीर बदलती हुई उत्तर प्रदेश की दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ भी एनडीए 80 का टारगेट लेके चल रही थी, वहां बड़ी तेंदबाजी यहां विपक्षी गठबंधन ने की है। अनुराग सर, ये जो बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है रुझानों में, यानी आप एनडीए 40 तक भी नहीं पहुंच पाए और अभी ज्यादातर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो काफी बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं। जो चुनाव आयोग के जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हमको देखनी होंगी। देखिये, निश्चित तौर पर जो अभी के रुझान है उसमें सपा और कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है, लेकिन कई सीटें जो हैं मैं लगातार देख रहा हूं कि मार्जिन उसमें बहुत कम है। जैसे घोसी की जो सीट है उसमें समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार है राजीव राय, वो मात्र 1395 वोटों से आगे हैं। जौनपुर से कुशवाहा जी जो हैं वो 1767 वोटों से आगे हैं। इसके अलावा कोई 3000 वोटों से आगे है, कोई 2000 वोटों से आगे है। तो अभी देखिए 11 बजे हैं जी, और हम लोगों ने कई बार जो मतगणना स्थल पर रिपोर्टिंग की है तो आंकड़ा देखिए पल पल बदलता रहता है। कई बार विधानसभा जो होती है, मान लीजिए हम गौतमबुद्ध नगर में बैठे हैं, तो कुछ विधानसभा जो शहरी वोट है वो जाता है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जब देहात की वोट खुलती है तो वहां पर दूसरी पार्टी आगे चलती है। तो ऐसा ही समीकरण लगभग हर लोकसभा क्षेत्र में होता है। तो फिलहाल हमें इंतजार करना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे, एग्जिट पोल में लग नहीं रहा था कि जो सपा कांग्रेस गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी लीड लेगा, इतनी सारी सीटों पर वो आगे बढ़ेगा। वाकई उत्तर प्रदेश में 2012 के बाद मैं कहूंगा कि अखिलेश यादव करिश्मा करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे याद है जब 2012 के बाद पहला चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में हुआ था, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो वो 2014 का चुनाव हुआ था और लोकसभा चुनाव में उन्हें मात्र 5 सीटें मिली थी। 2014 में मोदी की सुनामी चली थी, तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक अच्छा फेस होते हुए और कुशल मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने बहुत कुछ काम काज भी यहाँ पर किया था, उसके बावजूद वो मोदी की सुनामी से उत्तर प्रदेश में बच नहीं सके थे। उसके बाद 2017 में अखिलेश यादव का इलेक्शन आया जो विधानसभा का था जी। और उस इलेक्शन की हार जीत उनके ऊपर निर्भर करती है, हालांकि उस वक्त समाजवादी पार्टी में बहुत घमासान चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव ने मेहनत की लेकिन चुनाव वो हार गए, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद 2019 का चुनाव आया, 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव लगभग टूट चुके थे इस वक्त, और इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा गठबंधन किया मायावती के साथ ताकि वो अपनी जो फ्यूचर की राजनीति है उसको बचा सकें और हार का सामना उनको ना करना पड़े, लेकिन उसमें भी अखिलेश यादव कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं कर पाए और 5 सीटें मात्र समाजवादी पार्टी ने जीती। और ये जो चुनाव अब 2022 के चुनाव में आपने देखा समाजवादी पार्टी का क्या हाल हुआ, तो लगातार एक के बाद एक हार अखिलेश यादव के पॉलिटिकल कैरियर पर सवाल उठा रही थी, लेकिन अब जिस तरह से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 35 से ज्यादा सीटों पर बढ़त हासिल की है, राजेश आप ये मानकर चलिए अगर 35 सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाती है जी। तो ये उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा उलटफेर होगा और अखिलेश यादव का जो पॉलिटिकल कैरियर लगातार पीछे जा रहा था उसमें बूस्ट आएगा और अखिलेश यादव बड़े नेता के रूप में उभरेंगे। इसके अलावा कांग्रेस जो हमेशा उत्तर प्रदेश में 2 सीटें जीतती थी, रायबरेली और अमेठी, और अब आप देखिए कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस सपा का गठबंधन जो है ये गठबंधन का प्रयोग सफल रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि लगातार उत्तर प्रदेश एक गठबंधन की प्रयोगशाला बनता जा रहा था, लेकिन जो उसका रिजल्ट आता था, आउटकम आता था, वो बिल्कुल नाके बराबर आता था, कोई बहुत ज्यादा चमत्कार नहीं होता था। लेकिन ये जो रुझान है अगर नतीजों में बदलते हैं तो आप यकीन मानिए कि ये जो गठबंधन है सफल होगा और आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चुनौतियां सामने होंगी। बिल्कुल।